स्वागत है दोस्तों आपको बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो है सब्जियों में जो होने वाले जो रोग होते हैं उनका एक सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आलू और टमाटर में कौन कौन सा रोग होते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बताए थे। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए, और ऐसी ही आपको वीडियो मिलते रहे इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि सब लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, तीसरा है ये इसका है बैगन। बैगन में कौन कौन सा रोग होते हैं उसके बारे हम लोग देखते हैं। बैगन के बारे में अगर बात करेंगे तो बैगन जो होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोनजेना, ठीक है। सोलेनम मेलोनजेना इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसका फैमिली की बात करें तो फैमिली होता है सोलेनेसी। क्या होता है? सोलेनेसी इसका फैमिली होता है। सोलेनेसी इसका फैमिली होता है, ठीक, ये सब लोग जानते हैं। ब्रिंजल इसका यानी कि बैगन उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे, उत्पत्ति जो स्थान है इसका है भारत। कहाँ है? भारत है, ठीक है। इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी होता है। कौन सा होता है? विटामिन बी। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम लोग बैगन में जब हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे तब और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ देंगे कि इसमें क्या क्या इसमें होता है। जैसे कि इसका जो कलर है वो पर्पल कलर किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन की वजह से। एंथोसाइनिन की वजह से इसका पर्पल कलर दिखाई देता है। ये पर्पल कलर जो होता है एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो एग प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एग प्लांट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो बीमारी होता है वो बीमारी होता है क्या? लिटिल लीफ। कौन सा होता है? लिटिल लीफ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिटिल लीफ। लिटिल लीफ में क्या होता है? पत्तियां जो होते हैं लिटिल हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। पत्ती एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। आपने बैगन के पौधे देखे होंगे, उनकी पत्तियां थोड़ा चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसकी पत्तियां जो होते हैं वो याद रखिएगा कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, लिटिल हो जाते हैं। ये किसके वजह से लिटिल हो जाते हैं? तो एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की वजह से क्या होता है कि ये लिटिल लीफ होता है। अब माइकोप्लाज्मा तो बहुत छोटा होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता होगा? तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो काम करते हैं वो करता है कौन? लीफ हॉपर। कौन करता है? लीफ हॉपर। देखो ये जो है बैगन का सबसे मोस्ट डेंजरस यानी कि खतरनाक बीमारी है, क्योंकि पत्तियां छोटे छोटे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगा, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ठीक। इसको ले जाने का काम कौन करता है? वेक्टर का। वेक्टर मतलब वाहक। वाहक मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को, जैसे वाहन होता है। वाहन क्या करता है? कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक। वैसे ही लीफ हॉपर जो होता है इसको लेके जाने का काम करता है। इसकी प्रतिरोधी किस्म की बात करें यानी कि रेसिस्टेंट वैरायटी, तो इसका रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सा है याद रखिएगा? अर्कासील, मंजरी, गोटा, ये इसका रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ये आप इमेज देख चुके हैं। अब दूसरा जो बीमारी होता है बैगन में वो होता है फोमोप्सिस ब्लाइट। क्या होता है? फोमोप्सिस ब्लाइट होता है। ये फंगस की वजह से होता है, उस फंगस का नाम ही है फोमोप्सिस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है फल सड़न। क्या होता है याद रखिएगा? फल सड़न। बैगन जो होता है, या इसको बोल देते हैं फ्रूट रॉट। क्या बोलते हैं? फ्रूट रॉट। क्या कहा जाता है? फ्रूट रॉट कहा जाता है। इसकी प्रतिरोधी किस्म की बात करें यानी कि रेसिस्टेंट वैरायटी, पूसा भैरव, पंत सम्राट, पूसा अनुपम, ये इसका रेसिस्टेंट वैरायटी है। देखिए इमेज, आप देखिए इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बैगन है ये इस तरह से सड़ने लगते हैं, ठीक है। फोमोसिस ब्लाइट मतलब क्या होता है? वो बैगन जो है वो सड़ने लगते हैं। ये याद रखिएगा फंगस के द्वारा होता है। किसमें होता है? ये बैगन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट। विल्ट मतलब होता है सूखना। क्या होता है? सूखना। उनका जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम के द्वारा प्लांट जो होते हैं जड़ के द्वारा जो जल रहेगा उसको विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम क्या होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनते हैं पत्तियों में उसको शरीर के उनके विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो जो जाइलम फ्लोएम दोनों पाइप है उसको चोक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है।
तो ये इसमें करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया विल्ट करता है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो करता है, इसीलिए इसको बैक्टीरिया विल्ट कहते हैं। विल्ट मतलब याद रखना सूखना। तो उनका जो एक तरह से जो भोजन को ऊपर ले जाने काम, पानी को ऊपर ले जाने काम कर रहे हैं, भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने काम कर रहे हैं, उस पाइप को ही बंद कर देंगे तो पौधा तो जाहिर सी बात है। सोचो आप ही क्या करते हैं, अगर ऊपर में रहते हो आप, ठीक, ओवर फ्लोर में, नीचे आपसे पानी दे जाने का काम करते हैं, उस पानी वाले पाइप को बंद कर देंगे, और ऊपर वाला जो कोई भी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे आता है उसको भी बंद कर दिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आदमी रहेगा वो भी मर सकता है, क्योंकि उसको ना तो खाना पीना नहीं ढंग से मिलेगा, पानी नहीं मिल पाएगा, या ऊपर से जो भी वेस्ट मटेरियल वो भी बाहर नहीं जा रहा है, आसमान में। इसी तरह तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पौधे ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। स्टार्टिंग में आपको देखोगे दिन में आपका पौधा जो होता है एकदम नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जैसे ही सुबह देखोगे तो पूरा इसी तरह से मुरझाए हुए नजर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं मिर्च। कौन सा मिर्च, तो मिर्च में कौन कौन सा बीमारी होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिर्च के बारे में हम लोग जब हॉर्टिकल्चर में है तब और अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि इसका तीखापन किसकी वजह से होता है, तो कैप्सिसिन की वजह से होता है। इसका जो मिर्च आप देखे होंगे लाल कलर का भी होता है, तो कैप्सी एंथीन की वजह से होते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैप्सिकम एनम होता है। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें भी एक बीमारी होता है जिसका नाम है लीफ कर्ल। ठीक, लीफ कर्ल टमाटर में भी होता है, इसमें भी होता है। लीफ कर्ल, कर्ल मतलब कर्ली बाल, मुड़ना, तो पत्ती क्या हो जाती है, मुड़ जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और ये जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि वेक्टर का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा जो थ्रिप्स भी करता है और वाइट फ्लाई भी करता है, दोनों करते हैं, लेकिन मिर्च का प्रमुख जो कीट है यानी कि इंसेक्ट है वो कौन सा है, थ्रिप्स है। कौन है, थ्रिप्स, याद रखिएगा। ठीक, आया समझ में। इसको मिर्ची का माथा बंधन बंधता भी बोलते हैं, क्योंकि पत्ती क्या हो जाती है पूरी तरह से इस तरह से कर्ली हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है उनका सिर को बांध दिए हैं टाइप का, इसी वजह से। ठीक, जैसे आप इमेज में देख सकते हो ये पत्तियां जो होते हैं ऊपरी तरह से ऐसे मुड़ा 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 हो जाते हैं, इसी को ही कहा जाता है लीफ कर्ल। क्या कहा जाता है, लीफ कर्ल, आसमान में। और इसमें कौन सा रोग होता है, तो एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू। क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णीय आसिता बोलते हैं, या इसको भभूतिया रोग भी कहा जाता है। क्या, भभूत आपने देखे होंगे जो राख का रहता है ना, तो ऐसा लगता है पाउडर पाउडर टाइप का है। उसी तरह से जो फंगस होते हैं उनके पत्ती में पूरा पाउडर पाउडर ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, तो फंगस की वजह से। एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू होता है। डाउनी मिल्ड्यू जो स्टार्ट करते हैं नीचे सतह से अपना ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपरी सतह में आ जाते हैं, अगर ज़्यादा ग्रोथ होगा तो ऊपरी सतह में भी आ जाते हैं। आर समझ में आया ना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ। कौन सा है, डैम्पिंग ऑफ, जिसको आद्र गलन कहते हैं। ये बताया था जितने भी नर्सरी में उगाए जाने वाले सब्जियां होते हैं या फल होते हैं, ठीक है, उनमें ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। डैम्पिंग अप मतलब होगा आद्र गलन, जहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होता है तो नीचे वाले जो सरफेस होते हैं वो गलाने का काम करते हैं फंगस के द्वारा। ठीक, आर समझ में, ठीक। ये हो गया आद्र गलन, ये आप पत्ती पौधे देख रहे होंगे, ये नीचे सतह क्या हो जाते हैं, गलने लग जाते हैं, ज़्यादा पानी वजह से होता है। ठीक है, आर समझ में। और इसमें कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्नोज, जिसको बोलते हैं श्याम वर्ण। जो बैगन सॉरी मिर्च आप देख रहे होंगे, मिर्च जो होता है इस तरह से सड़ने लगते हैं, या उसमें जो फंगस ग्रोथ की वजह से क्या होगा कि ऐसा रॉट होने लगता है, तो इसी को कहा जाता है एंथ्रेक्नोज, मतलब काला काला आपको दिखाई दे रहा होगा मिर्ची में। ठीक, ये किसके द्वारा होता है, तो फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट है भिंडी। तो भिंडी को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिंडी के बारे में पढ़ेंगे कि भिंडी में कौन कौन सा रोग होते हैं और कौन कौन सा जो सब्जी है उनके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।